नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही आज मैं फिर आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कैंडिडेट राजस्थान की हैं वो उनको चिकित्सा अधिकारी बन रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है उनके लिए बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है तो आप जैसे देख रहे हो मैं ये न्यूज़ आपके साथ पूरी डिस्कस करूँगा ऑथेंटिक न्यूज है आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में और आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब बात करते हैं क्या वैकेंसी है किसने जानकारी दी है जैसे कि आप देख रहे हो उप मुख्यमंत्री आपको पता है हमारे दिया कुमारी जी ने 1220 चिकित्सा अधिकारियों भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है जयपुर 12 मार्च उप मुख्यमंत्री वित्तीय मंत्री दिया कुमारी ने सत्तर हजार सरकारी नौकरी देने के बजट में घोषणा की थी बिल्कुल सही बात है जब तो राजस्थान का बजट आया था उसमें सत्तर हजार पोस्टों के लिए बात हुई थी सत्तर हजार नौकरियाँ दी जाएगी बस उनका वर्गीकरण सही से नहीं बताया गया था तो उन्हीं भर्तियों के अब रुझान आ रहे हैं कि उन सत्तर में कौन कौन सी भर्तियाँ हैं तो उसमें 1220 पद के चिकित्सा अधिकारी भर्ती करने का प्रस्ताव वित्त या स्वीकृति देकर युवाओं को तोहफा दिया मतलब वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है ये भर्ती का बस नोटिफिकेशन आना बाकी है जल्द ही आपके सामने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एक दो दिनों में इसकी क्वालिफिकेशन क्या है किस पोस्टों पर भर्ती हो रही है कौन कौन अप्लाई कर सकता है मेल की कितनी पोस्टें हैं फीमेल की कितनी पोस्टें हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहो चैनल को सब्सक्राइब करो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के और इन्फॉर्म करूँगा 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएगी वित्त विभाग ने शासन सचिव वित्त व्यय श्री नरेश ठकराल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर बारह चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की सहमति दी है उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सॉरी दिया कुमारी के द्वारा वित्त वर्ष चौबीस पच्चीस के अंतर्गत के अंतर्गत बजट में युवाओं के रोजगार के लिए आगामी वर्ष में सरकार के अधीन सत्तर हजार पदों की भर्ती की जाने घोषणा की गई है इस उपक्रम में पदों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है इसका मतलब है कि वित्त विभाग के पास फाइल भेजी उन्होंने मंजूरी दे दी मतलब बजट पास हो गया अब जो जो बोर्ड इसका एग्जाम कराएगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तो उनके पास नोटिफिकेशन आना बाकी है सरकार की तरफ से पूरी तैयारी अब अप्रूव हो गई है फाइल भर्ती को मोर लग गई है आप जो इंतजार कर रहे थे चिकित्सा अधिकारी बनने का जो मेडिकल लाइन वाले कैंडिडेट थे कि भर्ती कब आएगी तो आपकी भर्ती आ गई है और जिन कैंडिडेट ने मेरे नर्सिंग ऑफिसर का वीडियो बना के डाल रखा है उत्तराखंड का वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना उनके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया क्वालिफिकेशन क्या कितनी पोस्ट है कितनी पोस्टें हैं वो भी पंद्रह सौ पोस्टों के आसपास का नोटिफिकेशन था तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है तो इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा तो वीडियो आपको कैसे मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से एड होना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि भर्ती आ गई है जैसे ये न्यूज़ आई तो मैंने आपको बता दी जय हिंद धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में